Hello everyone, a very good morning to all of you, kaise ho aap lo? I am Gulapsa, your mentor and I welcome you once again to another session of RBI 247 where today we are going to discuss a very important topic that is of much relevance from your examination point of view. Ab ye jo topic hai, it is related to the regulatory sandbox. As you all know RBI has launched the regulatory sandbox in which

एंड इसमें बहुत सारे थीम्स होते हैं दैट यू शुड रिमेम्बर सर्टन एंटिटीज जो सिलेक्ट हुई है उनके प्रोडक्ट का नाम इन सब के बारे में पढ़ेंगे इन टूडे वेरी वीडियो सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट न्यूज सो द फर्स्ट न्यूज टॉक्स अबाउट ऑन टैप एप्लीकेशन फॉर द थीम रिटेल पेमेंट्स शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एंटिटीज इसका क्या मतलब हुआ

टेस्ट ऑफ द टेस्टिंग फेज में जाए इसीलिए जो पिछले क्लोज है ठीक है थोड़ा बहुत पता होगा रेगुलेटरी सैनबुक्स के बारे में केस आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है स्टे कनेक्टेड विद द लेक्चर आफ्टर कंप्लीटिंग द न्यूज विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट द रेगुलेटरी सैनबुक्स उसकी ओरिजिन क्या है उसका मतलब क्या है दिट्स

ऑक्टूबर 2021 में ऑन टैप लॉन्च किया था फॉर रिटेल पेमेंट थीम वाले कोहोट के लिए एंड फॉर दैट इट हैज सेलेक्टेड टू एंटिटीज अब जो एच है उसका प्रोडक्ट का नाम है ऑनलाइन रिटेल पेमेंट्स ऑनलाइन रिटेल पेमेंट्स क्या काम करेगी तो अभी इनको टेस्ट करना है इन चीजों को इन अ लिमिटेड रेगुलेटेड इन्वामेंट

फोन है इवन इफ दे हैव द फोन बट द कनेक्टिविटी इज सो पोअर दैट दे आरबल टू मेक पेमेंट ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट नहीं कर पा रहे राइट सो दिस बैंक एच डी एफ सी बैंक इन एरिया ऑफ लो इंटरनेट कनेक्शन और नेटवर्क कनेक्शन यू विल बी एबल टू मेक द पेमेंट तो ये इनका पूरा प्रोडक्ट है जिसको वो टेस्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स the second is precision biometric india its product is in the it key solution for banking so what is this precision going to do so this company will try to uh, provide more security to the customers in making the payments security case usually how do we make the payment otp provide karte we use the otp and based on the otp payment are being done in order to secure the payment this प्रोसेशन कंपनी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस बायोमेट्रिक्स बायोमेट्रिक्स को यूज करके ओ टीपी को हटा देंगे सो दैट योर ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवन योर डेटा आई मोर सिक्योर एंड इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड एनहैंस एक्सपीरियंस टू दी कस्टमर्स आई होप आपको समझ आ गया इनके प्रोडक्ट क्या है और उनकी यूटिलिटी क्या है प्रोडक्ट की अगर ये टेस्ट फेज में पास हो जाते हैं

चार ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं उन चारों के अलग अलग थीम्स हैं दिस थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट थीम फर्स्ट जो कोहर्ट था उसका थीम क्या है सेकेंड कोहोर्ट क्या है थर्ड कोहोर्ट क्या है सो फाइनली एज ऑफ नाउ दे आर फाइव कोहोर्ट्स एंड रिसेंटली आर बी आई हैज लॉन्च द फिफ्थ कोहोर्ट ठीक है, फिफ्थ कोहोर्ट लॉन्च किया है विद द थीम न्यूट्रल अब न्यूट्रल के अंदर क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे इसकी डिटेल विल बी प्रोवाइडिंग इन द कमिंग डेज़। तो कुछ दिनों बाद डिटेल सारी प्रोवाइड कर देगा प्लस एप्लीकेशन भी इशू कर देगा सो एनी ऑफ दिस कोहोर्ट आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो

ओपनिंग ऑफ ऑन टैप एप्लीकेशन तो ऑन टैप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है फॉर द सेकेंड कोहोट अब सेकेंड कोहोट की थीम क्या है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फर्स्ट वॉज रिटेल पेमेंट जिसके अंदर टेस्ट फेज के लिए सिलेक्टेड एंटिटीज को सिलेक्ट किया गया है For the second cohort, that is cross-border payments, यहाँ पे applications issue किए जा रहे हैं, applications invite किए जा रहे हैं by the RBI so that those those innovations could also be brought in the cross border payments तो क्या होता है, RBI cohorts launch करती है for a certain period और जब वो period खत्म हो जाता है वो कोहट बंद कर दी जाती है But in future years फ्यूचर इपोज ये थीम इतना बड़ा है कि हमें ऐसे कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिले ही नहीं जो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल हो सो इन दैट केस आर बी आई री ओपन सच कोहट्स सेकेंड वाला ओपन कर दिया गया है एंड इन invitations are being given so that people can submit their application so ye teen news the important related to the regulatory sandbox now we are gonna study the enabling framework for regulatory sandbox ab ye regulatory sandbox kya hota hai इसको आप ऐसे समझ लो suppose करो कोई software engineer है या फिर कोई भी है web developer या कोई भी वो तो सबसे पहले क्या करता है एक स्ट्रक्चर तैयार करता है सो अ स्ट्रक्चर इज बिंग प्रिपेयर ट्राइज टू टेस्ट दिस स्ट्रक्चर कि जितना मैंने प्रिपेयर किया है ओवरऑल द स्ट्रक्चर वेदर इट इज गुड क्या प्रॉब्लम है वट कुफिट वो सारी चीजों को आप उस स्ट्रक्चर के थ्रू जानने की कोशिश करते हो एंड यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या ये वायबल है या नहीं है जैसे आपने सुना होगा कि uh, बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस लाए जाते हैं हमारे साइंस स्पेस सेक्टर में राइट फ्लाइंग कार्स हो गए सो यू फर्स्ट सी द वायबिलिटी यू डू नॉट मेक द एंटायर प्रोडक्ट एट वंस एट अ स्क्रैच यू फर्स्ट ट्राई टू मेक द स्ट्रक्चर एंड यू सी द वायबिलिटी यू अंडरस्टैंड कि लिमिटेशंस क्या है वॉट आर द इम्प्लीकेशन वेल अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज इफ यू फील दैट येस दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क फॉर दायर नेशन देन ओनली यू लॉन्च दी

Then you can launch this product for the entire consumer base. So this is the entire concept of regulatory sandbox or a committee formed. by the name Interregulatory Working Group, and in the year 2018, it recommended the formation of a regulatory sandbox. उन्होंने कहा था a regulatory sandbox so that there can be more of innovation in the financial in the financial sector as well as you're trying to reduce the cost and increase the efficiency so that consumers at large are benefited from these services. Okay, took up opportunities, create karoge, consumer scale now let's talk about how what are the steps in the regulatory framework, regulatory sandbox, make the steps in. so basically there are four steps. the first is the application. आरबीआई क्या करेगी एप्लीकेशन इन्वाइट करेगी जैसे अभी फिफ्थ के लिए इन्वाइट किया है एप्लीकेशन इन्वाइट किया जाएगा यू विल अप्लाई टू आर बी आई फॉर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अंडर द डिस्क्राइब और द डिस्टिंग थीम हर एक कोर्ट की थीम है उस थीम के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के थ्रू अप्लाई करोगे सेकेंडली देर विल बी एवेल्युएशन बेस्ड ऑन टेक्निकल सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स आपके जो भी प्रोडक्ट है आपने जो भी अप्लाई किया है उसको इवेलुएट करिएगी आर बी आई एंड बेज ऑन वेदर योर प्रोडक्ट इज फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोट योर प्रोडक्ट विल ईदर बी सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट फेज थर्ड आ जाएगा आपका टेस्ट फेज जहां पे टेक्निकल एंड ऑपरेशनल टेस्टिंग ऑफ द प्रोपोज प्रोडक्ट और सर्विस विल बी कंडक्टेड तो आप सिलेक्ट हो गए अब आप टेस्ट फेज में घुस जाओगे जहां पे आप टेस्ट करोगे अपने प्रोडक्ट को एंड फाइनली इफ इट वर्क गुड इनफ दैट विल बी लॉन्च फॉर द दर पॉपुलेशन इफ नॉट योर प्रोडक्ट विल बी ठीक है तो एक्रेडिटेशन इज द फाइनल स्टेप इन द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इज वी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बॉक्स को आपको क्लियर होगा एंड यू आर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड That the main the main, main objective is to ensure efficiency to promote innovation in the financial services technology so rbi is trying to leverage those technologies so that it can provide a world class experience to its consumers customers convenience ho unko user experience so, for that reason, RBI is trying to make use of these technologies so that it can bring in innovation in the financial space plus it can bring benefit to the customers at large. Okay? So, what is the objective? Foster responsible innovation in the financial services by promoting efficiency, reducing the cost, and benefit to the customers. आई होप ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया होगा नाउ लेट्स लुक एट दिस पिक्चर ये बताता है क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं हमारे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में एंड व्हाट ऑल एक्टिविटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स

फर्स्ट एंड क्रेडिट रजिस्ट्री क्रेडिट इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो होते हैं चेन मार्केटिंग सर्विसेज जहां पे जैसे एम का एग्जांपल ले लू एक, एक लिया एक ने दूसरे को अपना बनाया कि तुम बेचो उसने अपने नीचे तीन चार लोगों को रखा उन तीन चार लोगों ने अपने अपने नीचे तीन चार लोगों को रखा तो एक तरीके का चेन बनता चला गया राइट सो उसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए दीज सर्विसेज है ट्रेडिंग इन क्रिप्टो क्रिप्टो एसेट सो बेसिकली यहाँ पे ऐसे है जो कि बहुत वोलाटाइल है क्रिप्टोज हो गए आपके क्रेडिट रिलेटेड हो गया क्रेडिट रजिस्ट्री एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड योर मार्केटिंग चेन मार्केटिंग सर्विसेज वट ऑल आर इंक्लूडेड इंक्लूडेड में है आपके रिटेल पेमेंट्स एनी टाइप ऑफ रिटेल पेमेंट्स मनी ट्रांसफर साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आ जाएंगे आपके साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स। देन वी हैव मार्केट प्लेस लेंडिंग चाहे रिटेल कर लो मार्केट प्लेस लेंडिंग कर लो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो जाएंगे फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रिड्यूज करने के लिए कोई ऐसा ऐप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए सो ऑल ऑफ दीज सर्विसेस विच विल एक्चुअली प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बेनिफिट

द इनोवेटर्स द फिनक कंपनीज एंड फाइनली दंज्यूमर्स पार्टिसिपेंट है चारों के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है दिस रेगुलेटरी सैनवर्स हाउ रेगुलेटर को बहुत ज्यादा कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी विद द टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट द रेगुलेटर कैन अंडरस्टैंड की क्या बेनिफिट और क्या एमर्जिंग रिस्क है वॉट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट कैन हैम्पर्ड कैन बूस्ट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी तो वो रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी हमारे रेगुलेटर को टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स एस योर बैंक एन बी एफ सी जो एक्चुअली इन सर्विसेस को प्रोवाइड करेंगे दीज कंपनीज़ दीज सर्विस प्रोवाइडर्स विल है ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज हैं इन द मार्केट वॉट ऑल टेक्नोलॉजीज इनोवेशन द मार्केट

रूल्स हैं क्या फ्रेमवर्क में उनको काम करना है प्रोहिबिटेड है अंडर दी विल नोन टू टू दू फिनटेक कंपनीज वाइल अंडरटेकिंग दी प्रोजेक्ट और टेस्टिंग देयर प्रोजेक्ट एंड फाइनली दंज्यूमर्स कंज्यूमर्स एज अ होल कैन टेल यू क्या बेनिफिट उनको हो रहा है एक्चुअली में उनको बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो वट कॉस्ट आर एसोसिएटेड इन लॉन्चिंग सच ए प्रोडक्ट जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको कस्टमर बोलते हैं तो बेकार है, हमारे किसी भी काम के नहीं है राइट right? कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी यूटिलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा हेल्प करती है फॉर एग्जाम्पल द डिजिटल पेमेंट द यूज ऑफ वॉलेट पेटीएम वॉलेट्स हो गया कितना कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है लैक्स ऑफ कस्टमर्स आर यूजिंग सच प्रोडक्ट राइट तो ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। If you are testing certain products under the regulatory sandbox, second it talks about the viability. Obviously, अगर आप पूरा ही प्रोडक्ट बना दोगे कॉस्ट एसोसिएटेड है योर टाइम इज एसोसिएटेड ऑल ऑफ दीज वुड बी सेव आर टेस्टिंग जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोडक्ट थर्ड इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इम्प्रूविंग फाइनेंशियल रीच सो बाई यूजिंग सच टेक्नोलॉजी जैसे मैंने एच डी एफ सी का एग्जाम्पल दिया वो ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स को ला रहे हैं अगर आप ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स को ला रहे हो आपको कैश कैरी करने की जरूरत ही नहीं है इवन इफ यू डू नॉट हैव इंटरनेट कनेक्शन या आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी फ्लो है तब भी यू आर एबल टू मेक पेमेंट यूजिंग योर फोन सो दिसनेशियल इंक्लूजन जो हमारा पर्पज है इंडिया को फाइनेंशियली इंक्लूडेड करने का सो दट वी हैचीव यूजिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फोर्थ इज डिपेंडेंस द रेगुलेटर ऑन कंसल्टेशन तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है द रेगुलेटर्स बीट आरबीआई सेथ द इंडस्ट्री एज वेल एज द स्टेक होल्डर दैट आर एसोसिएटेड विद दैट प्रोडक्ट तो उसको वो टाइम जो है वो कम हो सकती है इट कैन बी रिड्यूस बिकॉज आर बी आई को खुद ही पता चल जाएगा कि वॉट आर दिनिफिट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ इशूंग सच अ प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड फाइनली बेटर आउटकम्स फॉर द कंज्यूमर कन्वीनियंस मिलेगा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगे बेनिफिट इंक्रीज हो जाएंगे देर बी एफिशियन मेकिंग यूज ऑफ दोज आर दिनिफिट है

जजमेंट्स तो कई बार ऐसा होता है जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए एप्लीकेशन आपके पास आए सारे का जो टेस्टिंग होता है सारे का जो स्क्रूटनी होती है एप्लीकेशन की ऑल द स्क्रूटनी इज नॉट डन बाय अ पर्सन राइट देर विल बी ग्रुप्स कि इन प्रोडक्ट्स को इस ग्रुप ने स्क्रूटनी स्क्रूटनाइज किया स्क्रूटनाइज बाई अनादर ग्रुप सो देर कैन बी डिस्क्रीशन वाई मेकिंग जजमेंट्स की वेदर दिस प्रोडक्ट शुड बी सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड फोर्थ इज थर्ड इज दिस रेगुलेटरी provide डू नॉट प्रोवाइड एनी waivers. जो भी leg legality है जो भी लॉज हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ऐसा नहीं कि वो आपके लिए कम कर दिया जाएगा या कॉस्ट कम कर दी जाएगी ऐसा कुछ नहीं है रेगुलेटरी sandbox में एंड उसके बाद में है कि इवन आफ्टर द sandbox टेस्टिंग आपका टेस्ट हो गया यू आर accredited, but बट स्टिल regulatory approvals are required to be taken in order to finally launch the final product in the market. and finally, there can be some legal issues. product, if your experimentation fails, then there can, uh, and if there are certain harm that is caused to the consumers in that life uh, regulatory environment, then you may. फेस सर्टन लीगल इशू दीज आर सर्टन रिस्क दर एसोसिएटेड विद द रेगुलेटरी सेंडबॉक्स अब बात करते हैं कोहोर्ट्स की जस्ट अट yeah. जैसे मैंने आपको बताया एंड टू एंड रेगुलेटरी प्रोसेस के लिए बहुत सारे कोहट्स लॉन्च करते जाते हैं बट बट इन ऑर्डर टू हैव मोर ऑफ इनोवेशन पुराने जो कोहट है, है. है. But, but जो उसमें और भी एप्लीकेशन आप ला सकते हो राइट सो दिस इज द कोहट इट इज जस्ट लाइक लॉन्चिंग वन फेज जिसके अंदर कुछ एंटिटीज को सेलेक्ट किया और उनको प्रोवाइड किया अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द प्रोडक्ट्स। सो दिस आर द टोटल नंबर ऑफ कोह दैट हैज है दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो थीम आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कोहर्ट का थीम क्या है

एंड द लास्ट इज ऑन टैप एप्लीकेशन ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पुराने जो क्लोज क्लोज जो होते हैं जो आपके थीम्स होते हैं जो क्लोज्ड कोट है उसको आप दोबारा से रीलॉन्च कर सकते हो दैट इज नॉन इज ऑन टैप एप्लीकेशन और ऑन टैप एप्लीकेशन फॉर द क्लोज थीम्स यू कैन ब्रिंग मोर ऑफ द इनोवेशन इन दोल ठीक है दिस वॉज ऑल फॉर टूडे दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विध यू

रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दो दैट बाद में आपके ऊपर एकदम से लोड ना पड़े ठीक है नेम ऑफ द प्रोडक्ट दिजाइनडीएफसी बैंक दैट हैज बीन सिलेक्टेड बाय आर बी आई फॉर द टेस्ट फेज ऑफ रेगुलेटरी सैंड बॉक्स तो इसमें से आपको उसका आंसर बताना है ठीक है नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन से इज रिसली आरबीआई अनाउंस दी ओपनिंग ऑफ दिफ्थ कोहोर्ट

so five items has been provided you need to find out which of them are excluded okay? and finally we have the last question that says uh, that has given certain statements related to regulatory sandbox and you need to find out the incorrect statements the statements are first regulatory sandbox allows the regulator the innovators the financial service providers as well as the customers to conduct